आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग दो का 11वां पाठ गंगा नदी। इस पाठ में इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम में एतत् स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग, विशेषण विशेष समन्वयन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे और उसके पास इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। भारते अनेका पुण्य प्रदाह मंगल कारण नदा शंति। भारत में अनेकों पुण्य प्रदान करने वाली और मंगल करने वाली नदी है। तासु गंगा नदी पवित्रतमा कथते, उनमें से गंगा नदी को सबसे पवित्र कहते हैं। भारतीय जनानाम हृदय विश्वासा अस्ति यत अस्याम नदाम स्नानेन नरः पापाद विमुच्यते। भारतीय लोगों के हृदय में विश्वास है कि इस नदी में स्नान करने से लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं। गंगा नदी मुक्तिदायिनी अस्ति, गंगा नदी मुक्ति देने वाली है। गंगा नदा जलम औषधि गुणेन युक्तम अमृत तुल्यम भवति। गंगा नदी का जल औषधीय गुणों से युक्त और अमृत के समान होता है। भागीरथी जाह्नवी सुरसरी सुरसरितादिनी गंगा नदा एव नामानि सन्ति। भागीरथी जाह्नवी सुरसरी सुरसरिता आदि गंगा नदी के ही नाम हैं। महाराज भगीरथ स्वपूर्व जना नाम उद्धाराय भगवंत प्रार्थयते गंगा नदीम च पृथ्व्याम आनयत। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान की प्रार्थना की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाया। तथा प्रवृत्ति ऐसा भगीरथी इति नामना प्रसिद्धा अभवत। उसके बाद से ही यह भगीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। गंगा नदी हिमालय से गंगोत्री नामक स्थानात उद्गच्छति। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा नदा तटे हरिद्वारम प्रयाग वाराणसी च प्रसिद्धानि तीर्थ स्थानानि सन्ति। गंगा नदी के तट पर हरिद्वार प्रयाग बनारस जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यत्र गंगा यत्र जनाः श्रद्धा स्नानं कुर्वन्ति, जहाँ लोग श्रद्धा से स्नान करते हैं। सायं काले जनाः नौका विहारम अपि कुर्वन्ति, शाम के समय लोग नौका विहार भी करते हैं। देव दीपावल्यां जनाः प्रज्वलितान दीपान नदा जले विसृजन्ति। देव दीपावली के दिन लोग प्रज्वलित दीपों को यानी जलते हुए दीपों को नदी के जल में विसर्जित करते हैं। दीपानाम प्रकाशेन दृश्यम मनोहरम अनुपम च भवति। दीपकों के प्रकाश से दृश्य बहुत ही सुंदर और अनुपम होता है। एवमेव भारते अन्य सामापि नदी नाम महत्वम अस्ति। इसी तरह से भारत की अन्य नदियों भारत में अन्य नदियों का भी महत्व है। भारतीय नदी नाम पूजनम देवता रूपेण कुर्वन्ति। भारतीय नदियों का पूजन देवता के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस पाठ के कठिन शब्दार्थ को अवश्य याद करेंगी, जिससे आपके लिए पाठ आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पाठ में चूंकि हम लोगों को इकारांत शब्दों के बारे में सीखना था, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरु, जिसमें इकारांत शब्दों का जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनका रूप किस प्रकार से चलता है इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले नदी शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति में नदी नधो नध। देवी शब्द इकारांत है लेकिन इसका रूप द्वितीय विभक्ति में है देवीम देव्यो देवी। सखी सख्या सखीभ्याम सखीभि। नारी नारी नारीभ्याम नारीभ्य। सरस्वती सरस्वत्या सरस्वतीभ्याम सरस्वतीभ्य। भागीरथी भागीरथ्या भागीरथ्यो भागीरथीनाम। मातामही माता महाम माता महो महियो माता महियो और माता महिषु
मुक्तिदायिनी, हे मुक्तिदायिनी, हे मुक्तिदायिनियों और हे मुक्तिदायिनियः। तो इस प्रकार से ये सारे इकारांत शब्दों के रूप जो हैं, जो बड़ी ई से जिनका अंत होता है, यानी कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द के रूप जो हैं, सारी विभक्तियों में किस प्रकार से चलते हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को अधोलिखितानां परस्परं मेलनं कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों को मिलाना है। तो मंगलकारिणः नदः, महानदी पवित्र, गंगा नदी पवित्रतमा, पापाद विमुच्यते, स्वपूर्वजनानां उद्धाराय, दीपानां प्रकाशेन, प्रसिद्धानि तीर्थस्थलानि। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो भारतीय है हृदय। अब जन शब्द का षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन आपको यहाँ पे प्रयोग मिलाना है। तो जनानां, नरः विमुच्यते। अब पाप शब्द का पंचमी व्यक्ति का एक वचन लाना है, पापात। क्वेश्चन नंबर 3 के गामी है, गंगा नदा एव संति। अब नाम शब्द का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन नामानी, गंगा नदी च आनयत। तो पृथ्वी इकारांत शब्द रूप पृथ्वी का सप्तमी विभक्ति एक वचन में पृथ्व्याम। दीपानाम, दृश्य मनोहर भवति। प्रकाश शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में प्रकाशे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को अधोलिखितानां पदानां पुरुषम वचनम च लिखत, नीचे लिखे गए शब्दों के पुरुष और वचन बताना है। तो अभवत, प्रथम पुरुष एक वचन, कुर्वन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, आनयत प्रथम पुरुष एक वचन, विसृजन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन और भवति प्रथम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को पाठानुसारम एक वाक्य न उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार एक शब्द में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अस्याम नदा अस्नानीन मुक्ति भवति, आपको किम के स्थान पे मुक्ति शब्द कर देना है। अस्याम नदाम अस्नानीन मुक्ति भवति, गंगा यह अन्यानी नामानी, गंगाया अन्यानि नामानि सन्ति, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, गंगोत, भागीरथी आदि, या आदेह कर देंगे। फिर से इसे देखेंगे, गंगायाः अन्यानि नामानि सन्ति, सुरसरी, भागीरथी, देवनदी, आदेह। गंगा कस्मात स्थानात उद्गच्छति, गंगा किस स्थान से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री नामक स्थानात उद्गच्छति, गंगा गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। गंगा तटे कानि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तो गंगा तटे प्रयाग, हरिद्वार, काशी आदयः तीर्थ स्थानानि सन्ति। सायंकाले जनः किं कुर्वन्ति, तो सायंकाले जनः दीपं प्रज्वलयन्ति। देवदीपाल्यां जनः किं कुर्वन्ति, देवदीपावल्यां जनः दीपान् प्रज्वलित्वा नदाजले विसृजयन्ति, यानी देवदीपावली के दिन लोग दीपों को जला करके नदी के जल में विसर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और इसके अभ्यास प्रश्नों को देखा। मैं छात्रों से ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि मेरा ये मुहिम बच्चों को संस्कृत पढ़ाना तो वो सार्थक हो सके। आप उसमें सहयोग दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे संस्कृत को पढ़ने में रुचि दिखाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।